हेलो दिस डॉक्टर एस के सिंह फ्रॉम मौलाना जाद मेडिकल कॉलेज आज पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे सेल यूनिट ऑफ लाइफ सेल यूनिट ऑफ लाइफ से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं नीट 2021 के अंदर और आशा है कि 2022 में भी काफ़ी सवाल पूछे जाएंगे तो आज का सेशन बहुत ही छोटा रहेगा उन तमाम फैक्टर और तमाम कंसेप्ट को कवर किया जाएगा बहुत ही मिनिमम टाइम में सो so, uh, मैं अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन कर में ऑल सेलेक्ट करिएगा ताकि आप एक भी क्लास मिस ना करें जो भी हैंड रिटन नोट्स होगा मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूंगा तो मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर सारे नोट्स अवेलेबल होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट uh, सेक्शन में आपको टेलीग्राम मिल जाएगा ऑफिशियल इससे जुड़ जाना चाहिए मैं अकेडमी पर हर दिन सुबह नौ बजे और शाम को आठ बजे लाइव मॉक टेस्ट कराता हूँ जो पूर्ण रूप से एन पे बेस्ड रहता है एन पे रहता है जो बिल्कुल 2022 का रेप्लिका है तो ज़रूर उसका आपको उस क्लास में अटेंड करना चाहिए और बेहतर करना चाहते हैं 2023 और 24 के मेरे बैच चल रहे हैं इंडिया के ग्रेट टीम के साथ आप इससे जुड़ सकते हैं कोड में आपको पता ही है कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा सकते हैं हर वर्ड कैपिटल लेटर बिना किसी गैप के साथ आपको 10 प्रतिशत का छूट मिलेगा और 100 प्रतिशत आप डॉक्टर के गाइडेंस में आके पढ़ाई करेंगे तो स्टार्ट विद द द यूनिट ऑफ लाइफ द सेल यूनिट ऑफ लाइफ सो ऑल द द द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स सेल्स इज इज फर्स्ट गिवन बाय राइट तो लाइफेनिज्म जो है इन्होंने uh, सबसे पहले सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन द डिस्कवर द न्यूक्लियस इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये बिल्कुल सत्य प्रतिशत सही है कि गलत है सो सेल्फ थ्यूरी वॉज गिवेन बाय सेल एंड सेचवान एंड अकॉर्डिंग टू द सेल्फ थ्यूरी उन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मेडअप ऑफ सेल्स एंड दे आर प्रोडक्ट्स एंड ऑल द सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स राइट रॉडर बिरचाओ ने एक स्टेटमेंट कहा था ओमनी सेलुला ई सेलोला द सेल्स इज अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल्स राइट सो सेल्स के दो टाइप होते हैं वन इज कॉल्ड प्रो करियोटिक सेल अनदर इज कॉल्ड सेल यू ट्रू कैरियो न्यूक्लियस न्यूक्लियस द इज वेल वेल कवर्ड में आपको न्यूक्लियस uh, की मेम्ब्रेन नहीं नजर आएगी प्रोकरियोट में सबसे पहले बात करते हैं सेल एनवेलप की तो मोस्ट ऑफ द प्रोकरियोट पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल हैविंग द केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप उसमें केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप नजर आता है कैप्सूल ग्लाइगोकैलिक्स स्लाइम लेयर की बात करें तो जब बैक्टीरिया वगैरह बहुत छोटा रहता है तो उसके सरफेस के ऊपर बहुत ही लूज स्किन की लेयर होती है एंड दैट्स कॉल्ड स्लाइम लेयर जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो वो हार्ड हो जाता है कठोर हो जाता है एंड दे लीड टू द कैप्सूल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ऑलवेज कॉज डिजीज़ क्योंकि आ, जितने भी हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स हैं जैसे डब्ल्यू बी सी माइक्रोफेज वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को खा नहीं पाएंगे और खा नहीं पाएंगे तो इससे डिजीज़ हो जाएगा so slime layer when the mucilage is present loosely around the cell wall is called slime layer when it becomes hard it is known as capsule or glycocalyx wbc failed to engulf capsulated bacteria therefore the capsulated bacteria causes the disease the cell wall is a second layer of the cell envelope which is below the glycocalyx glycocalyx can reach glycocalyx and this layer determines the shape of the cells a shape code determine karta now we have a staining of bacteria क्रिश्चियन ग्राम क्रिश्चन ग्राम ने करा था और पता लगाने की कोशिश की थी कि कौन सा बैक्टीरिया डिजीज कॉज करेगा कौन सा बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करेगा सो दे आर फाइंड आउट पैथोजेनिटी ऑफ बैक्टीरिया सो सपोज दिस इज द बैक्टीरिया दे आर डिप इन द क्रिस्टल वॉयलेट ऑल बैक्टीरिया बिकम पर्पल सारे के सारे बैक्टीरिया पर्पल हो गए दे आर डिप इन द इथाइलिन तो कुछ बैक्टीरिया ने स्टेन को रखा और कुछ बैक्टीरिया ने स्टेन को लूज कर दिया राइट right? तो वट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द सेल वॉल इज अ सिंगल लेयर यहाँ पे टू लेयर होता है लिपिड कंटेंट ऑफ वॉल इज़ अ क्वाइट लो लिपिड कंटेंट ऑफ वॉल इज ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट मीजोजोम आर मोर प्रोमनेंट मीजोजोम इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन मीजोजोम आर लेस प्रोमोनेंट फीवर पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव के जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ ही डिजीज कॉज करते हैं और ग्राम नेगेटिव वाले मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं एग्जाम्पल इसका ट्रीटमेंट इम्फोसिसिन से किया सकता है और इसका ट्रीटमेंट जो है जेंटामाइसिन एक दवाई होती है उससे किया जा सकता है नाउ वी हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फर्स्ट स्टडी बाय द द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्वासी विच इज सेमी फ्लूड इन नेचर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड रेशियो वेरी फ्रॉम वन रेशो फोर टू फोर रेशो वन यानी प्रोटीन और लिपिड्स का बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस मेम्ब्रेन फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का पूरा बाउंड्री बनाएगा एंड गार्डेड बाय द आउट साइड दिस मेमरीन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशन शिप ऑफ द सेल्स टू द आउट साइड आउटसाइड से कौन से सब्सेंस अंदर आएंगे और अंदर वाले कौन से बाहर जाएंगे दै डिसाइड बाय द प्लाज्मा मेमरीन दस द प्लाज्मा मेमरी इज ऑल्सो कॉल एम्फीपे दे कंटेन द हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल राइट सो फ्लूड मोजाइक मॉडल आता है क्वेश्चन और सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है तो फ्लूड मोजाइक मॉडल वॉज गिवन बाई सिंगर एंड निकॉल फ्लूड मोजाइक मॉडल में बताया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स का बना होता है इट इज अ प्रोटीन आइसबर्ग आर फ्लोटिंग दिस मॉडल वाज गिवन बाय फ्रीज फ्रैक्चर फ्रीज एटिंग मेथड सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था इसे सी ऑफ लिपिड्स कहा जाता है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में बात करें तो लिपिड सबसे ज्यादा होता है करीब आ, 20 से आ, 79 परसेंट प्रोटीन ट्वेंटी टू 70 परसेंट कार्बोहाइड्रेट 1 टू 5 परसेंट रीजनरेशन ड्यू टू देशन ऑफ न्यू मटीरियल इन एंडिक रेटिकुलम दिस लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल हेल्प इन परफॉर्मिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मूमेंट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ई आर विच इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले इस टर्म का यूज किया एंड दे आइडेंटिफाई द फाइन रेटिकुलम रेटिकुलट इज अ

एल फोर लिपिड सी फॉर कार्बोहाइड्रेट आर फॉर दोअर सीजे सेक्शन एस राइट एस फॉर द स्टोरॉइड तो स्मूथ जो होता है लिपिड कार्बोहाइड्रेट स्टोरॉइड बनाने में मदद करता है एंड चेप्रोन प्रोटीन इज प्रेजेंट चेप्रॉन प्रोटीन प्रेजेंट होता है राइट रफ एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो देर फाउंड इन द राइबोसोम चेप्रोन प्रोटीन आर प्रोजेंट विच इज हेल्प इन द होल्डिंग एंड न्यूली सिंथिसाइज प्रोटीन नाउ द फंक्शन ऑफ ईर इससे काफी प्रश्न आया हुआ है

द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइजोजोम लाइजोजोम इज अनादर इम्पोर्टेंट नेम इज गिवन बाय नोवी कॉफ नोवी कॉफ एक साइंटिस्ट थे उन्होंने ये सबसे पहले दिया था दे आर डिस्कवर बाय डी डव दे आर बाउंडेड बाय द सिंगल मेमरेन सिंगल मेमरेन से बाउंडेड रहता है अकरेंस की बात करें तो दे आर फाउंडेड द एनिमल सेल ओनली इन प्लांट वैक्यूज एक्ट हैज अ लाइसोजोम प्लांट में जो वैक्यूज होता है वो लाइसोजोम में ही लाइसोजोम की तरह एक्ट करेगा बैक्टीरिया में पेरी प्लाज्मिक स्पेस हैज असोजोमल इंसाइन इरेगुलर शेप इरेगुलर शेप होता है बायोजेनेसिस के बारे में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई कंटेंट वेसिकल में जाके स्टोर होगा फिर वो जाके वो गोल्जी बॉडी में स्टोर होगा एंड देन रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म सो एंजाइम आर सिक्रेटेड इन ईआर व्हिच इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेड इन द गोल्जी बॉडीज वेयर दे आर प्रोसेस एंड फाइनली एज अ लाइसोसोम इट रिमेन इन साइटोप्लाज्म फॉर एक्सट्रा सेल्युलर डाइजेशन सो व्हाट इज द फंक्शन ऑटो मींस ऑटोलेसिस ऑटोमिन ब्रेक डाउन ज इन द डाइजेशन ऑफ द सेल्सर बैग ऑफ द सेल्स मतलब ये बेसिकली डिजीज सेल्स एजिंग सेल्स में सबसे ज्यादा रिपोर्टेड है जो बीमार सेल्स हैं या जो बुढ़े सेल्स हैं उनमें लाइसों में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं डाइजेशन ऑफ एक्सा सेलोअर सब्सेंस इट इट इज हेल्पफुल फॉर द मेटामोफोसिस

They store and concentrate in the middlers, salt and middlers. Contractile vacuoles, osmoregulation, example, amoeba. Food vacuoles store digestive enzyme and ear vacuoles. They have an ear, which is important for the bioncy. Golgi body, they are discovered by cameo golgi in the owl and cat. And uh, invertebrate, they are diffused from a er, plant may They are present in diclosomes. Golgi body is present in eukaryote, except sieve tube of the plant is form of bryophyta and RBC. वॉट इज द फंक्शन द फॉर्मेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन ओवर द ओवम सर्फेस ओवम के ऊपर विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर ए रहता है सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूज इन साइटोप्लाज्म ऑफ द ओब्यूज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन द स्प लीडिंग टू दीडिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ अ एंड फॉर्मेशन ऑफ रूट हीयर इन द प्लांट फॉर्मेशन ऑफ रूट हीयर इन द प्लांट नाव वी हैव अ माइटोकॉन्ट्रिया सो माइटोकॉन्ट्रिया डबल मेंबरेन बाउंडेड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन होता है शेप की बात करें यूजली दे आर ओवल नंबर इट वेरी अकॉर्डिंग टू द एनर्जी रिक्वायर्ड एट द डिफरेंट सेल्स लाइक एस्पोमोटो जो हुआ ट्वेंटी लिवर करीब थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड मसल फाइव थाउजेंड क्योंकि मसल में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है दे आर सिलेंडिकर इन शेप स्ट्रक्चर की बात करें डबल मेम्ब्रेन है तो देयर इज अ आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन खासकर इनर मेम्ब्रेन में आपको ध्यान देना है कि देयर इज अ एफ नॉट और एफ वन पार्टिकल्स ये क्वेश्चन आया हुआ है दिस एफ नॉट or एफ एन पार्टिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ए टी पी फॉर प्रोडक्शंस इसके अंदर जो राइबोसोम होता है सत्तर से पचपन एस होता है और सर्कुलर डी एन ए होता है ये बीच में आपस में जुड़ा रहता है विच इज कॉल्ड एडहेशन साइट्स सो दे आर फाउंड इन एमबेडेड इन ए इ इनर मेमरेन दे आर ऑलसो कॉल्ड रेकर्ड्स पॉर्स और ऑक्सीजोम दे आर इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ए टी पी दैट इज कॉल्ड एफ नॉट आर एफ एन पार्टिकल्स एडहेशन दे आर इन बिटवीन द आउटर एंड विच हेल्प इन ज्वाइनिंग Each other, they are also known as region, कहा जाता है ताकि ये कॉम्युनिकेट करे साइटोप्लाज से यहाँ पे एफ नोट और बेसिकली पी तो, uh, और इनऑर्गेनिक आयन दन्वर्टेड टू द ए टी पी ए टी पी में कन्वर्ट होगा और विद्प ऑफ ए टी पी सिंथेटिको दन्वर्जन रिक्वायर टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है पार्ट दैट इज एफ नॉट है मेटाबोलिज्मिया मेटाबोलिक स्टेज में अगर बात करें तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ स्टेज द एक्टिव और इनएक्टिव एक्टिव जब प्रोडक्ट की जरूरत होती है एक्टिव स्टेज दी सिंथेटिव जिसमें एटीपी सिंथिस कम हो जाती है Kaam agar baat karein, the synthesis of ATP therefore uh, they are called powerhouse of the cell with the help of oxidative phosphorylation. Metabolism of fat is also there. Metabolism of amino acid synthesis of neurotransmitter which is important for the communication that is GABA. Plastid discovered by Ernest Haeckel. They are double membrane bounded organelles associated with the storage and synthesis of food. Depending on the nature of the pigment, the storage. Uh, the store of the pigment food, they can be classified the leucoplast, which is white in color, chromoplast other than green and chloroplast that is green. A uh, leucoplast is further divided into the amyloplast, aleuroplast, elioplast. the so, leuco is white since the pigment is absent, therefore they are white on the basis of storage of substance. Leucoplast is amyloplast they help in a storage of starch, potato. Aleuroplast they help in a storage of protein endosperm of the maize, zia maize.

क्लोरोप्लास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ए दे आर फाउंड इन द ग्रीन प्लांट दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस राइबोसोम के बारे में बात करें दो स्मॉलेट ऑर्गनीज स्मॉल नॉन मेमरेनियस बाउंडेड ऑर्गनीज दे आर आल्सो कॉल्ड राइबोन्यूक्लियन प्रोटीन पार्टिकल्स राइबोसोम्स आर नॉट विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप अक्रंस की बात करें दे आर फाउंड इन बोथ प्रो कैरियोड एंड यू कैरियोड सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट दो सब यूनिट होते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन यूनिट प्रोकैरियोट 40 परसेंट प्रोटीन 60 परसेंट आर एन ए सेवेंटी एस इन दोनों को जोड़ना नहीं है थर्टी एस और सेवन फिफ्टी एस यहाँ पर यू में बात करें सिक्सटी सिक्सटी परसेंट प्रोटीन एंड फोर्टी परसेंट आर आर एन ए अस्सी एस अस्सी एस को मतलब कि साठ एस और चालीस एस में डिवाइड करते हैं ठीक है तो छोटा यूनिट बड़ा यूनिट फंक्शन दे प्रोटीन अगर देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल्स

माइक्रोट्यबूस दे आर होलो फिल्मेंट फॉर्म बाय द अल्फा एंड बीटा ट्यूबलीन विच आर अरेन्ज इन अल्टरनेट मैर फंक्शन के बारे में बात करें दे हेल्प इन द साइटोस्केलेटल दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिडल फाइबर्स एंड क्रोमोसोमल मूवमेंट माइक्रोट्यूब्यूस का है कि स्पिडल फाइबर्स उसे अटैच कर लेगा इंटरमीडिएट फिलामेंट दिस आर फिलामेंट फाउंड इन द डेमोसोम द फॉर्म इन द मेट्रिक्स ऑफ द स्किन सेल्स टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रोकेरियोट में सेवेंटी एस थर्टी एस सेवेंटी एस यू करियोट में एटी एस होता है साठ एस और चालीस एस प्रोटीन अकर दे आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द से इंक्लूजन बॉडी करा ही दिया है मैंने अभी इंक्लूजन बॉडी के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है साइनोफाइसी एंड ग्लाइकोजन साइटोस्केलेटल में अभी हमने देखा ही है ठीक है तो आगे हम बढ़ते थे न्यूक्लियस तो इट वॉज फर्स्ट व्यू बाय द लेवन हॉक बट क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोल्ड इन द रॉबर्ट हुक इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना ये सही है कि नहीं है शेप के बारे में बात करें जनरली स्पेरिकल बट मे बी द लूब डब्ल्यू बी सी सिलेंडिकल स्पॉम हेड दूसली पंद्रह से पच्चीस प्रतिशत ऑफ सेल साइज बट मेटाबोलिकली एक्टिव सेल इट साइज मच लाज यहाँ देखेंगे डबल मेम्ब्रेन होता है है ना और दोनों के बीच में गैप होता है दोनों मेम्ब्रेन आके आपस में फ्यूज हो जाते हैं दे फॉर्म अ न्यूक्लियर पोर ताकि ये कॉम्युनिकेट कर सके न्यूक्लोलस होता है जैसे साइट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है इसलिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लोलस होता है तो न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूजली एसोसिएटेड विद द राइबोसोम इट इज आल्सो विद द सराउंडिंग नेटवर्क ऑफ ई आर इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस शो द फॉलोइंग पार्ट दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेटिकुलम मेंुलूक्लोलस न्यूक्लियोप्लाज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है कि बाहर वाला एटमॉस्फेयर है ये डिसाइड करेगा साइटोप्लाज्म से कौन सा मटेरियल अंदर आएगा और अंदर वाला कौन बाहर जाएगा न्यूक्लियर द बैरियर बिटवीन द साइटोप्लाजम्योप्लाज आउटर में रेटिकुलियर इनवेल्फ इज इंटरप्टेड इन सेवरल प्लेसिस फॉर्म अ न्यूक्लियर पोर राइट द फ्यूजन ऑफ टू मेंब्रेन आउटर एंड इनर क्रोमोटीन नेटवर्क इट इज द नेटवर्क ऑफ न्यूक्लो न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमोटीन Chromatin contains DNA, some basic protein, histone and non-histone protein are there. Nucleolus, one of one or two nucleolus are found in nucleoplasm. Contain of nucleolus continue with the rest of the nucleoplasm and it is lack the membrane. Nuclei is the site for the actin synthesis of ribosomal enzyme, nucleoplasm. Now chromosome chromo, chroma means color, soma means body, the colorful body which is present in the chromosome. फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस एवरी क्रोमोसोम हेज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन दे आर कॉल्ड काइनेटो कोर्स जहां से क्रोमटीड आके अटैच होते हैं क्रोमोसोमियर और काइनेटो कोर्स इज इंपॉर्टेंट जहां पर सारे अटैच हो, होते हैं दिस इज कॉल्ड सेंट्रोमियोर द टिप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टीलोमियर एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमोटीड दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में द फोर टाइप टीलोसेंट्रिक टी द टर्मिनल मतलब द क्रोमोसोम इज टर्मिनल देंट्रोमियर इज टर्मिनल टर्मिनल मतलब सबसे ऊपर रहेगा तो सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में रहेगा है ना तो लेंथ ऑफ क्रोमटीडर तो मेटासेंट्रिकोम क्रोमोसोम इज राइट इन मिडिल इन आर्म ऑफ द क्रोमोसोम इज इक्वल लेंथ सब मेटासेंट्रिक देंट्रोमियर इज लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर